आईईटी एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत है पहेलियों पर आधारित कार्यक्रम आओ क्विज करें। आज की पहेली है मुझे देखना मुश्किल होता। चलो चलो शाबाश, भागो भागो भागो, शाबाश। अच्छा बैठ जाओ। हाँ तो तैयार हो पहेली के लिए? हाँ जी। मौसी आज हम पूछे पहेली। हाँ हाँ पूछो पूछो, क्या मुश्किल है? देखना कैसे एक मिनट में जवाब देती हूँ मैं। पहले आप हमारी पहेली तो सुन लीजिए। हाँ हाँ तो पूछो ना, मैं कोई डरती हूँ क्या? हमारी पहेली ये रही, मुझे देखना मुश्किल होता, चाहे जितनी तेज हो धूप, रात अंधेरी हो फिर भी मैं खूब दिखाता अपना रूप, कभी बड़ा कभी छोटा होता। अच्छा। कभी कभी गायब भी होता। गायब भी होता। मेरे पास नहीं मेरी रोशनी, पर चमक से खुश जग होता। पर चमक से खुश जग होता। ओहो, क्या समझ रहे थे तुम लोग कि तुम्हारी इस पहेली का जवाब मुझे नहीं आएगा? अगर मैंने बता दिया तो, बता दिया तो, बताओ बताओ, जुगनू जुगनू है ना? जुगनू नहीं है। जुगनू का भी छोटा बड़ा थोड़ी ना होता है। हाँ भाई, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ये बात तो है। और जुगनू तो खुद रोशनी छोड़ता है। हाँ ये बात भी है। फिर क्या हुआ, क्या है, क्या है जवाब, क्या है? हाँ, क्या फिर है? से पूछे। हाँ पूछ ही लो, शायद जवाब सूझ जाए। हमारी पहेली है मुझे देखना मुश्किल होता, चाहे कितनी तेज हो धूप, रात अंधेरी हो फिर भी मैं खूब दिखाता अपना रूप, कभी बड़ा कभी छोटा होता, कभी कभी गायब भी होता, मेरे पास नहीं मेरी रोशनी, पर चमक से खुश जग होता। चांद। हाँ, मिट्टी। ठीक ना? चांद गई। देखा, चांद सूरज की रोशनी से चमकता है। बिल्कुल। और कभी कभी चांद आधा निकलता है, कभी कभी पूरा। हाँ शायद बिल्कुल। चांद को ठंडी भी लगती होगी, वो कांपता होगा। हाँ तो उसको ना अगली बार एक कंबल देकर आना। ठीक है, एरोप्लेन पे बैठ के देखे। हाँ एरोप्लेन में जब तुम्हें दिखाई देना चांद, तो उसको कहना रुको भैया मैं आ रही हूँ, ये लो कंबल। ये क्या बोली थी, एक दिन हम ऊपर जाएंगे हेलीकॉप्टर से, हम ना तारे लेके आएंगे, तारे इतने बड़े होते हैं इसके हाथ में भी नहीं आएंगे। हाँ अच्छा, मैं तो सोच रही थी ये तारे लाएगी तो मैं अपनी साड़ी में लगाऊंगी उनको। तुमने तो मेरी सारी खुशियों पे पानी फेर दिया। चांद घटता बढ़ता लगता है ना? हाँ, क्योंकि चांद और सूरज के बीच में धरती के आ जाने से चांद का केवल उतना ही भाग चमक रहा होता है जितना दिखता है, और अमावस्या को तो चांद दिखाई ही नहीं देता। क्योंकि उस तरफ चांद पर सूरज की रोशनी पड़ ही नहीं रही होती जो हम धरती से देखते हैं। अमावस्या पर जब हम धरती से चांद की ओर देखते हैं, उस तरफ चांद पर सूरज की रोशनी पड़ ही नहीं रही होती। समझे? ठीक। हाँ, समझ गए। किताब में भी पढ़ा था। अच्छा, हम तभी तो हमने ये पहेली बनाई थी। और अब मैं भी समझ गई अच्छी तरह से। चांद देखना मुश्किल होता, जब तेज निकली हो धूप, रात अंधेरी हो तो चंदा, खूब दिखाता अपना रूप, चांद बड़ा कभी छोटा होता, और कभी गायब होता, नहीं चमकता अपने आप, नहीं चमकता अपने आप, पर इसकी चमक से खुश जग होता, जग होता, जग होता। करें, अभी आप सुन रहे थे चांद पर आधारित ये पहेले। कलाकार सुचित्रा गुप्ता और बच्चे, ध्वनि अंकन बटिलैंग लिंगडू और शानू मुक्सीम, निर्माण सहयोग मयंक थपलियाल, निर्माण निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT।